हाँ सो गुड मॉर्निंग। सो आज की स्टोरी जो है ना वो बारिश की स्टोरी। बारिश जंगल में बहुत तेज़ बारिश पड़ रही है। अब तू बोलेगा यार पापा जंगल में हमेशा बारिश पड़ती है, आज बारिश पड़ रही है, इसमें ऐसा क्या स्पेशल है? तो स्पेशल है तभी तो स्टोरी बनी है। स्पेशल ये है कि आज की बारिश जो थी वो पानी की बारिश नहीं थी। अब तू बोलेगा क्या बोला मैंने सुना नहीं, वापस बोलता हूँ। ये जो बारिश पड़ रही थी ना आज जंगल में, वो जंगल में बारिश पानी की नहीं पड़ रही थी, वो पड़ रही थी कलर्स की, कुड़ीश की। ये तो डेंजरस बारिश है पापा, है ना? होली में कलर लगाते हैं अपन, होली में सबको कलर लगाते हैं, फिर कलर नहीं उतरते तो फिर उनके कलर वो ही रह जाते हैं। यहाँ पे तो बारिश ही कलर की पड़ रही है, फिर क्या क्या होगा पापा? अरे रुकना, सुन सुन आगे सुन। तो हुआ ये कि सुबह सुबह को बारिश पड़ने लगी और वो भी कलर वाला। अब सबसे पहले आज स्टोरी में लॉयन जो है वो जाग गया। तो बोले यार वो तो जंगल का शेर है, उसको कुछ काम धाम है नहीं, फिर भी वो जाग गया। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि आज की स्टोरी में शेर पहले जागा, क्योंकि उसकी गुफा में जब वो गहरी नींद में सो रहा था तो बारिश की आवाज़ होने लगी। अब बारिश की जब आवाज़ होने लगी तो नॉर्मली जैसे बारिश पड़ती है शेर ने सोचा वही बारिश होगी, पर उसको कुछ डाउट हो। बोला नॉर्मल बारिश में आवाज़ बादलों की आती है, तेज़ होती है, कुछ तो होता है, आज बारिश ऐसे पड़ रही है जैसे पता ही नहीं चल रहा है। बराबर आवाज़ कम थी बारिश में। तो शेर ने बोला मेरे को उठना पड़ेगा, अब उससे उठा जा नहीं रहा, सुस्त है। और लॉयन जंगल का शेर है, अब उसको कोई कुछ कह भी नहीं सकता। तो उसने अपनी पत्नी यानी शेरनी को बोला, ओ मैडम बाहर जाके देखो बारिश बारिश। उसकी पत्नी भी ले जी, क्या है बारिश पहली बार पड़ रही क्या? अरे मैडम आज की बारिश कुछ स्पेशल है, आवाज़ ही नहीं आ रही। अच्छा तुमको लग रहा है आवाज़ नहीं आ रही तो खुद उठ के जाओ ना। अब शेर भले कितना भी बड़ा शेर हो, अपनी गुफा में अपनी शेरनी के सामने वो शेर नहीं रहता है, वो रहता है शेर। ओके खैर, तो शेर ने 2-3 बार उसको रिक्वेस्ट किया कि मैडम जाके चेक करो, मैडम जाके चेक करो। नहीं मैडम वो तो नींद आ रही है, उसको तो सोना। फाइनली शेर उठा, बोला ठीक है मैं एक चक्कर लगा के आता हूँ। बोली जाओ, उसको क्या फर्क पड़ता है। तो शेर जैसे ही बाहर निकला उसके ऊपर बिल्कुल जेबरा होता है ना, जेबरा जेबरा देखा है, जेबरा ग्रे कलर की बारिश गिरी उसके ऊपर। अब जब ग्रे कलर की उसके ऊपर बारिश गिरी तो शेर जो है पूरा ग्रे 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 हो गया, और उसका नॉर्मल जो नेचुरल कलर होता है ब्राउन वो छूट गया और पूरा वो ग्रे से ढक गया। उसको पता नहीं चल रहा है कि कलर की बारिश हो रही है। वो चलता गया, अब जैसे ही थोड़ा आगे गया एक डोंकी, अब है तो डोंकी तो नाम था उसका है ही गधा, तो गधे जैसे काम करना ही है उसको। वो भाई साहब इसके पास शेर के पास जाके उसको बोलने लगा, अरे जेबरा आज तू छोटा कैसा हो गया रे। लॉयन को आया गुस्सा, पर फिर उसने एक सेकंड के लिए सोचा, यार मैं हूँ जंगल का राजा और मैं इस गधे की बात पे गुस्सा करके इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ा दूँ? नहीं, पहले मैं सुनता हूँ उसको पूरी तरीके से, क्या चाहता है। बोला बोल बे गधे। तो गधे को गुस्सा गया, बोला ओ जेबरा तू मेरे को गधा नहीं बोलेगा? बोला अच्छा। लॉयन बोला अच्छा तो भाई साहब आपको क्या बुलाएं हम? गधे को गधा नहीं बुलाएं तो मंकी बुलाएं, एलिफेंट बुलाएं, फॉक्स बुलाएं, अरे बुलाएं क्या? बोला देख मैं पहले ही बोल रहा हूँ मारूंगा मैं तेरे को। अचानक से बारिश में कलर चेंज हो गया और वो किस्मत से ब्राउन कलर गिरने लगा।
जैसे ही ब्राउन कलर गिरने लगा, लॉयन अपने असली कलर में आ गया। तो डंकी की हालत हो गई इसे। सॉरी, मेरे से गलती हो गई। शेर बोला, बेटा तू गधा है, गधा रहेगा, गधा ही है, तो अभी यहाँ से फुट ले, नहीं तो सुबह सुबह को मेरा ब्रेकफास्ट बन जाएगा। तो गधा भाग। अब गधा भाग के सीधा एक पेड़ के नीचे जाके बैठ गया और अपने आप से बातें करने लगा। भाई साहब आज तो जान बच गई, शेर को हमने ज़ेब्रा समझ लिया, साला उसका कलर ही चेंज हो गया, हमें तो पता ही नहीं चला। अब क्या हुआ था कि जब ब्राउन कलर की बारिश पड़ रही थी तो डोंकी जो था, जो कि नॉर्मली ग्रे कलर का होता है, उस पर ब्राउन कलर चढ़ गया और वो पेड़ के नीचे जाके बैठ गया। तो वो अगर दिख रहा था कलर वाइज तो वो लॉयन दिख रहा था। अब वो थोड़ी देर नींद कर रहा। भाई साहब पेड़ के ऊपर आया अपना दोस्त मंकी। मंकी आता, मंकी केला खाया, छिलका जैसे नीचे फेंकने वाला था तो भाई साहब उसको क्या लगा कि ये जो है शेर बैठा हुआ है और वो सो रहा है इधर, क्योंकि कलर वाली जो बारिश हो रही थी वो कलर चेंज कर रही थी एनिमल के, तो उसको आइडिया नहीं आ रहा था कि यार, डाउट हो रहा था मंकी को कि यार शेर साइज में बड़ा हो गया है यार, थोड़ा अजीब लग रहा है, पर ये है शेर क्योंकि कलर वैसा ही है यार, अब पंगा ले नहीं सकते, चल एक काम करते छिलका फेंकते। अब क्या किया मंकी ने, अपना छिलका उसके ऊपर फेंक दिया। जैसे ही छिलका फेंका तो डोंकी को आया गुस्सा, तो गुस्से में उसकी आवाज़ जोर से निकली। मंकी पहले एक सेकंड के लिए तो डर गया, पर जैसे ही डोंकी ने बोला मंकी बोला गधे, हट नीचे उतरा और बोला बे गधे कहाँ से कलर करके। इतने में बारिश गिरी, बारिश गिरी वाइट कलर की। अरे भाई गधा वाइट हो गया, अब गधा घोड़ा लगने लग गया, मंकी भी वाइट हो गया। अब उनको समझ में आया कि भाई साहब ये बात है, बारिश जो हो रही है वो कलर वाली बारिश हो रही है और हमारे कलर्स चेंज हो रहे हैं। तो अब मंकी जो है बिल्कुल वाइट कलर का मंकी हो गया। भाई साहब उसने गधे को बोला, चल भाग, गधे के बात करूँ, बट मैं अपने दोस्त के पास जाऊँगा और तुझे पता है उसका दोस्त कौन है, मंकी का बेस्ट फ्रेंड मिस्टर एलिफेंट। अब मिस्टर एलिफेंट के पास जाते ही भाई साहब उसके घर में अंधेरा, मंकी वाइट कलर का, एलिफेंट को पता चला कि कोई तो आया है। अब अंधेरे में वाइट कलर का कोई छोटा सा बंदर ही सही, अगर ऐसे 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 चल रहा है तो अपन को क्या लगता है, हाँ भूत लगता है। तो भाई साहब एलिफेंट जो उठ के भागा उधर से, इधर उधर उधर अपने दीवार, अपने घर की दीवार में, ए धड़ ए धड़ ए धड़। किस्मत से अपनी दोस्त कीमती उसका कान पकड़ के खड़ी थी, ओ भाई क्या कर रहा है भैया, बच गए। जब भी एलिफेंट भाग रहा था इधर उधर, चींटी बटरफ्लाई तो बन ही नहीं सकती थी, अगर गलती से भी बटरफ्लाई बन गई और हाथी के पैर के नीचे आ गई तो भाई साहब उसकी लग गई। जैसे ही इधर उधर भटकने के बाद फाइनली वो थक गया एलिफेंट, तब जाके ज़ोर से मंकी हंसने लगा। अब मंकी जैसे ही हंसने लगा तो ऑब्वियस बात है कि अपने दोस्त के बारे में पता चल ही जाता है, तो उसको पता चल गया कि भाई साहब ये मंकी तू कलर करके मेरे को डराने के लिए आया है, अपना कलर चेंज किया तूने, मेरे को डराने के लिए आया है सुबह सुबह, तेरी तो मैं खैर नहीं बराबर मारूंगा तुम्हें। एलिफेंट ने सूंड उठाया तो मंकी बोला, सॉरी, मैंने नहीं किया भाई, बारिश ऐसी पड़ रही है, भारी पड़ रहा है यार, सबके कलर चेंज हो रहे हैं, गधा शेर लग रहा है, शेर जब